आज हमने मामूल से हटकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक पॉइंट एजेंडे के साथ रखा है। हम समझते हैं जमहूरियत में फ्रीडम ऑफ असेंबली हर शहरी का बुनियादी हक है। जो जमहूरियत में वोट देता है उसका राइट है। अगर वो वोट काउंट नहीं होता, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, जिर पर्पस के लिए वो नहीं होता, तो उसका राइट है कि वो जहां चाहे पीसफुल असेंबली कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसा से यहां एक जलसा मुनक़द करना चाह रही थी इस्लामाबाद में। हमने पहले डेट दी थी मार्च में, जो रमज़ान की वजह से पोस्टपोन हो गया था। फिर मई और जून में डेटें चेंज की गई और आखिरकार हमने ऐलान किया है, एनओसी हमारे पास है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में संगजानी के मुकाम पे इतवार के दिन 8 सितंबर को 2 बजे इस्लामाबाद की हिस्ट्री का अजीमुशान जलसा इंशाअल्लाह मुनक़द करेगी। इस जलसे में इंशाअल्लाह ताला सिंध, बलूचिस्तान, केपीके और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से इंशाअल्लाह खान साहब के टाइगर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर इंशाअल्लाह जोक तरजोक शिरकत करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर विंग, यूथ, आईएसएफ, वुमेन विंग, लेबर विंग और हर वॉक अप लाइव वाले इंशाअल्लाह ताला इसमें शिरकत करेंगे। ये हमारा एक पीसफुल जलसा होगा। इसका मकसद यही है कि जो जबरी गुमशिदगियाँ हैं, जो लाकानूनीत है इस मुल्क में, खान साहब के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, जो केसेस है जो न चलने वाले हैं, जिस तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है, और खान साहब की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को हम मुनक़द करेंगे। ये इस्लामाबाद में होगा, पीसफुल होगा और एज वी स्पीक इंशाअल्लाह ताला ये एनओसी हमारे पास है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगा। एक डेवलपमेंट आज ज़रूर हुई है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से जल्दबाजी में हकूमत ने आज एक कानून पास करवाया, दो दिन पहले इसको सेनेट से पास करवाया गया था और आज अपने अददी बरतरी को साबित करते हुए इन्होंने इस ला को पास करवाया है, ये पीसफुल असम्बली वाला। ये हम समझते हैं आइन के आर्टिकल 16 की खिलाफ वर्जी है। इस एक्ट में भी अगरचे ये लिखा है कि आइंदा के लिए सारे जलसे संगजानी के मुकाम पर होंगे, इस्लाम में ये लिखा है, लेकिन इसको बड़ा स्ट्रिक्टली वर्डेड किया हुआ है और अगर जलसे का इनकाद हो बगैर एनओसी के तो उसके लिए 3 साल की सजा प्रोवाइड की गई है। हमने असम्बली पे भी आवाज उठाया और हम समझते हैं कि राइट टू पीसफुल असम्बली आप कभी वेपनाइज नहीं करते। क्या कोई बंदा अगर ट्रैफिक वायलेशन कर दे क्या आप उनको 3 साल की सजा देंगे? आपको पीटीआई से एक उनकी जो पॉपुलरिटी है, आपको इससे एक डर लग गया, आपको ख्वाब में भी आता है ये? इंशाअल्लाह ताला ये इस सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह में अपने जलसे करेगी। जलसों का भी एक शेड्यूल इशू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला पीसफुल होंगे, लेकिन हमारे सारे जलसे इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। दो चीज़ों का मैं आज सरसरी जिक्र करूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो नैब तरामीम के खिलाफ, आप लोगों को याद होगा जिस वक्त खान साहब इस केस में खुद पेश हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को कहा कि हुकूमत की अपील अगर अलाउ हो जाती है तो आपको उसमें जाती फायदा हो जाएगा। खान साहब ने कहा मुझे जाती फायदे की जरूरत नहीं है, मैं कौम के लिए कड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि करप्शन के खिलाफ स्ट्रांग कवानीन हो और उसकी स्ट्रांग इन्फोर्समेंट हो। आज का जो डिसीजन आया है उसमें से खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 वाला केस जो नया दायर हुआ था, जिसमें खान साहब की अरेस्ट उन्होंने दिखाया था, वो केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। वो नैब के ज्यूरिसडिक्शन से, दार इख्तियार से बाहर निकल गया, क्योंकि हर वो केस जिसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन हो वो अब नैब के दार इख्तियार में नहीं रहा। इसी तरीके से अलकादर वाले केस में भी उस कानून के मुताबिक अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस हो तो वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस तब बनेगा जिसमें कोई पर्सनल गेन उस अक्यूज ने लिया हो। अलकादर वाले केस में, ये आपके सारे मीडिया के सामने जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, उस एविडेंस में जो चीज़ें आई थी और उस प्रोसिक्यूशन ने एडमिट किया है,
सबसे पहली बात यह थी कि उन्होंने कहा था किसी रूल्स की वायलेशन नहीं हुई। यह भी साथ रिकॉर्ड पे आया कि खान साहब ने कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया। यह भी रिकॉर्ड पे आया कि वो पैसे इल गॉटन मनी नहीं थी। इसी तरीके से यह भी रिकॉर्ड पे आया कि मंजूरी काबीना ने दी थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में अगर पर्सनल बेनिफिट ना लिया हो तो केस नहीं बनता, मेरिट पे अलकादर का केस डिसमिस होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला वो डिसमिस होगा। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की लेकिन इंशाल्लाह खान साहब सुरखरू होंगे। लेकिन आज का हमारा वन पॉइंट एजेंडा है वो ये कि इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक़द करेगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वोटर सपोर्टर से करता हूँ कि खान की आज़ादी के लिए, खान की आवाज़ पे लब्बे कहते हुए आप लोगों ने इसमें जोक दर जोक शिरकत करना है पाकिस्तान के झंडों के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ आप लोगों ने इसमें शिरकत करनी है। जलसे का थीम है मैंडेट चोरों को भगाना है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को लाना है। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको, आप मीडिया के तवसत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए जो हमारी जस्तजू है, ये एक तारीखी जलसा होगा, ज़रूर अपना हिस्सा डालिएगा। ये एक पुरमन जलसा होगा संगजानी के मुकाम पे, दिन 2 बजे 8 सितंबर, शिरकत कीजिएगा, जोक दर जोक आइएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ अपनी मोहब्बत का, यकजहती का इजहार कीजिएगा। 2 मुख्तसर सी बातें, एक तो जो हमने देखा है कि जो पार्लियामान होता है वो हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनको तहफ़ देने के लिए कानून साजी की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, जब से कि ये दो हुकूमतें जो कि PDM 1 थी और PDM 2 थी, उन्होंने जो भी लेजिस्लेशन की है, चाहे वो EVM रिलेटेड हो, इलेक्शंस को शफाफ नहीं होने देने चाह रहे और ना नैब को इन्होंने डिफैंग कर दिया, इसके अलावा जो भी कवानीन बने वो एक ख़ास टोले के मफाद के लिए बने, उसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी 50 करोड़ की हद मुकर्रर करके इन्होंने साबित ये किया कि जो बड़े डाकू हैं वो जो है तो आप उनको एक NRO दे दें। और इसी तरह मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं, जिसमें के बेरोज़गारी है, महंगाई है और अमन व अमान की सूरत हाल है, जितने भी कवानीन बने हैं पिछले दिनों में, चाहे वो जजेस की तादाद हो, चाहे वो ये असेंबली हो जिसमें कि एक पॉलिटिकल पार्टीज, और अफसोस की बात ये है कि पार्लियामेंट ही को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आज उस साइड पे बैठे हुए हैं, ये दो पार्टियां बिलखसूस और इनके जो एलाइज हैं, कि इन्होंने जमहूरियत पे जब कल हिस्ट्री में देखा जाएगा तो अगर किसी पार्टी ने ये इस काले कानून पे जिसमें कि सज़ा दी गई है, यानी चोर उचक्के बाहर, लुटेरे डाकू टेररिस्ट बाहर फिर रहे हैं और जो डेमोक्रेटिक राइट करते को इस्तेमाल करते हुए लोग, उनको 3-3 साल से लेकर 10 साल की सज़ा देगी, तो इन जो आज लेजिस्लेटर्स बैठे हुए थे जिन्होंने अप्रूव किया, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो, चाहे वो सेनेट में हो, उनको वो हिस्ट्री के मुजरिम हैं, वो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं और उन्होंने इस कानून को पास करके अपनी जम्हूरियत से नफरत और जम्हूरियत के खिलाफ जाने की उन पर एक FIR बन चुकी है अवाम की नज़र में। तो ये पार्लियामेंट जो है, इनके जो भी MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो इस कानून साजी का हिस्सा बने हैं। उन्होंने अपने तारीख में काले हरूफ से उनका नाम लिखा जाएगा, उनका ये किरदार नहीं माफ़ किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जम्हूरियत के प्लेटफॉर्म में रहते हुए जम्हूरियत की बुनियादों को खोखला किया और उसमें इन्होंने अपना हिस्सा डाला। तो इंशाल्लाह हमारा जलसा होगा। ये बुनियादी तौर पे ये जो कानून जो हुआ है पास कल परसों सेनेट से और आज नेशनल असेंबली से, ये बुनियादी तौर पर NTPTI लॉ है, PTI के लिए ये बनाया गया है और इसका मकसद यही है कि PTI को किस तरह से हम, तो अगर जब कानून साजी इनफरादी किसी शख्स इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगी तो फिर उस कानून की क्या हैसियत है, वो कानून क्या मुल्क के अवाम के लिए क्या बेहतरी करेगा।
आप तो अवाम दुश्मन कानून राइज कर रहे हैं और जमहूरियत का लिबादा उड़े हुए, इनसे ज्यादा खतरनाक कोई है नहीं। और इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट में भी इस लॉ को चैलेंज करेंगे।